हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडे की एक ऐसी रेसिपी जिसे आपने न ही पहले कभी देखी होगी और न ही खाई होगी। फ्रेंड्स, ये इतनी टेस्टी बनती है कि खाने के बाद आप इसे उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो आइए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चार बोल लिए हैं। हर एक बोल में हम एक एक अंडे को तोड़कर डाल देंगे। हर एक बोल में हम एक टीस्पून बारीक टुकड़ों में कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज के बाद हम यहाँ बारीक टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल लें। हरी मिर्च के बाद हम यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ बारीक टुकड़ों में कटी हुई धनिए के पत्ते डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को स्पून की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को फ्लफ़ी करने के लिए हम इसे विस्कर से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छे से फेंटने के बाद आइए अब ऑमलेट तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक तड़का पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें एक टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें फेंटे हुए अंडे डाल देंगे। अब हम अंडे को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अंडे को लगभग 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे अलट पलट करते हुए कुछ देर और फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी 3 ऑमलेट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी ऑमलेट तैयार कर लिए हैं। आइए अब एक पेस्ट तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक जार लेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली स्लाइस करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 इंच अदरक, 5 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जैसे 1 जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 5 काले मिर्च के दाने, 3 हरी इलायची और 1 स्टिक दालचीनी। इसके बाद हम इसमें 8 से 10 काजू और 1 टीस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स डाल देंगे। यहाँ काजू ग्रेवी को रिच बनाएगा और पॉपी सीड्स अच्छा फ्लेवर देगा। आइए अब इसे पीस लेते हैं। हमारा पेस्ट तैयार है, आइए अब ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और इसे अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे के क्रैकल होने के बाद हम इसमें 1 तेज़पत्ता तोड़कर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स तक भून लेंगे। ये देखिए, अब हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। प्याज को हमें यहाँ मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब जो पेस्ट हमने तैयार की है उसे हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक भून लेंगे। पेस्ट को लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद हम यहाँ कुछ सूखे मसाले डालेंगे,
जैसे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ग्रेवी के अच्छे रंग के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जार में जो पेस्ट लगे हुए हैं उसमें थोड़ा पानी डालकर उसे हम यहाँ डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ऑयल सेपरेट होने तक पकने देंगे। पाँच मिनट बाद ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। आप भी अपनी ग्रेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पानी डाल लें। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने देंगे। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गई है। अब हम इसमें 1-1 करके ऑमलेट डाल देंगे। ऑमलेट डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसे फ्रेश धनिया पत्ते से गार्निश करके गैस ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, ऑमलेट डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस ऑफ करने के बाद हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा डिलीशियस ऑमलेट एग करी बनकर तैयार है। ये देखिए ग्रेवी का कितना बढ़िया कलर आया है और ऑमलेट भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आप इसे रोटी या फिर पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। मैं फिर मिलती हूँ एक नए डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लजीज रेसिपी का आनंद उठा सकें।